गाइस गुड आफ्टरनून। ब्लॉग की हो रही है शुरुआत, इस वक्त ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, बहुत ज्यादा मजेदार। गाइस ये सामान देख लो और बताता हूँ मैं आपको क्या बना रहा हूँ। ये तंदूरी में मैंने इसमें डाल दिया है एक बढ़िया सी अपनी बॉटल में। तो गाइस ये है पार्सले है, गार्लिक है और बटर है। अब इसमें जाएगा हर्ब्स जाएगा जी। इसका पहले एक कटर तैयार कर देते हैं, गार्लिक कटर हर्ब्स वाला। इसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक, मतलब थोड़ा सा ऑरिगेनो। और ये है शिमला मिर्च, प्याज और ये पनीर है, टमाटो है। और ये मैंने स्लाइस और बिल्कुल स्ट्रिप्स में काट के पनीर रख दिया थोड़ा सा सजाने के लिए। ये हम बना रहे हैं तंदूरी गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं एकदम बटर के साथ बढ़िया से। ये सारे सामान वगैरह ला कर रख दिया। अब इसको सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे बटर, गार्लिक वाला जो हमने लगाया हुआ है ये गार्लिक बटर है। ऑरिगेनो डाला, हल्का सा चिली फ्लेक्स डालूंगा अभी। गाइस ब्रेड पे मैंने लगा लिया है पार्सले, गार्लिक और बटर और ऑरिगेनो। गाइस सभी ब्रेड्स में मैंने लगा दिए हैं मेयोनीज, लगा दी है हल्का सा तंदूरी मेयो और केचप लगा दिया है मैंने। मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दिया है ऑरिगेनो। गाइस ये तंदूरी गार्लिक स्लाइस जो ब्रेड है हमारी बनकर हो चुकी है तैयार। अब इसके ऊपर होगी चीज की बारिश। अब हल्का सा मैंने इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, ऑरिगेनो ये चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें भी। तो गाइस अब भर भर के डालेंगे इसके ऊपर चीज। गाइस चीज स्लाइसेस भी मैंने डाल दिए हैं इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर चीज स्लाइसेस भी डाल दिए बढ़िया से। गाइस ये हमने तैयार कर लिया बढ़िया से गार्लिक तंदूरी ब्रेड तैयार कर लिया है। और अब ये ओटीजी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो रही है। जब बाहर आएंगे तो चीज के साथ भरी हुई है प्रॉपर तरीके से और बनाते हैं फटाफट। गाइस ओटीजी हमने गर्म करने के लिए रख दिया और मैंने लिया हेल्थी वाली ब्रेड। गाइस ओटीजी में चले गए हमारे ब्रेड ग्रिल होने के लिए। इसका हाल चाल है भैया, देखते हैं फटाफट। हाँ हाँ हाँ, क्या मस्त क्रिस्पी हुई है यार ब्रेड, क्या मस्त एकदम। गाइस ये गार्लिक ब्रेड चीज वाली हमारी बनकर हो चुकी है बिल्कुल एकदम तैयार, एकदम रेडी हो चुकी है जी। अब फटाफट प्लेटिंग करते हैं इसकी। गाइस इतनी मेहनत लगाने के बाद बढ़िया सा हमारा चीज गार्लिक टोस्ट ये बनकर तैयार हो चुका है। एक मिनट घुमा के दिखाता हूँ, देखो जी दर्शन कर लो आप फर्स्ट क्लास। अब इसको एंजॉय करते हैं सॉस के साथ, तंदूरी में उसके साथ। गाइस ये बनकर हो चुका है प्रॉपर तरीके से तैयार। गाइस बन गया मस्त क्लास, फर्स्ट क्लास। हाँ जी भाई साहब, एंजॉय करो फटाफट, जल्दी जल्दी खाओ। मासी जी हाय, डॉली जी आ जाओ, प्रकट हो जाओ। हाय 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 हाय, देख ले सेवा है कर दी ना मेरी बहन को, कुछ बनाकर नहीं खिलाते। मासी को भी प्लेट देना, अकेले लगा हुआ। काकू ने उठाया, आप भी उठा लो। कैसे बना काकू, सच सच बताइए, तुझे सुबह जो ब्रेड पकौड़ा खाया था उसकी कसम है। सही बना है पक्का। मासी ने स्टिक भी उठा लिया टमाटो और जब ने वो किया था। डॉली आप भी उठा ले मेरे पुत्र, मैं पानी नहीं पिया, जब तक मैं खाऊंगा नहीं तब तक तू खाएगी नहीं है पानी। ये झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। सॉस के साथ इंजॉय करो फटाफट, इंजॉय करो आप। ये देखो ये देखो, ये कैमरे में कैद हो गया, ये चीज ब्लास्ट हो गया है, चीज बहुत ज्यादा डाल दी है। बैठ के खा ले, कोई पैरी पैरी सॉस के साथ खा रहा है, कोई टमाटो सॉस के साथ खा रहा है, कोई तंदूरी मोमोज के साथ खा रहा है। मैंने तंदूरी डाल लिया, तंदूरी लेके आऊं जी। कैसे बना भाई सब, सही से बताओ। बढ़िया बना है। तो गाइस एक हमने चार स्लाइस खत्म कर दिए, चार स्लाइस मैंने और रख लिए। मैंने कहा यार भूख लग रही है आज दोपहर को, इसने लंच नहीं किया था क्योंकि किचन में किचन सारी उलट पलट। बेटे खा ले बाबू। गाइस ये रख दिया और बनने के लिए, अब अपने लिए रख दिया मैंने बनने के लिए। मैंने कहा यार मैं भी खा लूं भाई, मतलब 45 टेम्परेचर के अंदर किचन में काम करने में टाइम बहुत लग गया था। इस चीज़ में छोटी छोटी चीज़ें थी बनाने में बहुत टाइम लग गया था। केचप मैंने इसमें डाल दी सारी, और ऑरिगेनो हमारी ये रही, ऑरिगेनो वाली हमारी पड़ी रहती है हमेशा। ये चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो तंदूरी में पैटी पैटी में इसलिए ले आया हूँ कि भाई साहब ये बाहर ना जाएँ, घर में ही ब्रेड वगैरह बनाए, पिज्ज़ा ले आए, बर्गर ले आए, कुछ भी ले आए बनाए उसमें फटाफट यूज़ कर रहे और खा ले यार, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है, धूप है, फिर बाहर कैसे बनता है ये, तो फ्रेश अपने हाथों से बनता है ना बढ़िया सा। चीज़ जितनी ज़्यादा हो ना उतनी ज़्यादा मज़ा आता है पूरा प्रॉपर तरीके से। मैंने ये डेलिका की 100% मोजरेला चीज़ मंगाई थी, वाकई बहुत बढ़िया चीज़ें। ब्लास्ट सही है ना, चीज़ ब्लास्ट। काकू पूरा चीज़ चीज़ भर गया इसके मुँह में खा के।
और बहुत बढ़िया है यार। एक बार आप मंगाना, मैंने जियो मार्ट से मंगाई थी, 50% डिस्काउंट मिला था और डेट भी एक्सपायरी बहुत दूर थी, 6 महीने के बाद थी इसकी। और बहुत बढ़िया चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है। मैंने रख दिया फ्राई पैन में चाय बनने के लिए, और किस क्या क्या चीज़ें डालेंगे चाय में, ठंडी चाय कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस चाय का पानी हो रहा है यहाँ पर गर्म, ये देसी की दोनों रखे हुए हैं। और मैंने ले लिया एक प्लेट के अंदर 2 इलायची और थोड़ी सी सौंफ और मिश्री, ये जाएगा इसमें। हम आम दस्ते में इसको कूटेंगे। और ये ले लिया गुलाब की पंखड़ी है, चाय का मसाला बनेगा ये वाला। ये तीनों चीज़ें, चीनी नहीं डालेंगे हम, और इसको क्रश करते हैं। ये सारा मसाला जा रहा है इसमें, इलायची चले गई है, सौंफ चले गई है, और मिश्री जो है मिठास देगी बढ़िया सी। तो गाइस पहले पानी डाल के ने सौंफ इलायची और मिश्री को कूट के या मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो, ये डाल देना चाहिए। और ये देख लो क्या मस्त वाला फ्लेवर है। इसके अब चाहेंगे गुलाब की पंखड़ियाँ। सारी चीज़ें मैंने इसलिए पहले डाल दी हैं ताकि ना पानी में जो चाय का पानी है उसमें फ्लेवर आ जाए, बहुत बढ़िया वाला फ्लेवर आ जाए। अब डालूंगा इसमें चाय पत्ती में, क्योंकि चीनी तो पहले डाली हुई है, बाद में जाएगा लास्ट में दूध। तो गाइस चाय पत्ती उबल के अब जा रहे हैं इसमें दूध। गाइस ये हमें जो कप दिए थे तरनदीप सिंह जी ने दिए थे, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने, और चाय बन रही है भाई साहब आपके लिए बढ़िया सी चाय स्पेशल। तो गाइस कमेंट्स करके बता देना जी किस किस ने ऐसी चाय बनाई है या पी है, बहुत ही बढ़िया। यानी कि जो इसका स्पाइसेस है ना मसाले, बहुत ठंडे मसाले हैं। गाइस को दिखा दो, गाइस को मैंने दिखा दिया। मैंने आज तो देसी घी ऐसे निकाल रहा हूँ, मैंने निकाल नहीं पाई क्योंकि हाथ बड़ा दुख रहा था। मैंने ऐसे हाथ से हिला लगा निकाल के मक्खन निकाल के, ये तो निकल गया भाई, डायरेक्ट मैंने निकाल दिया। नहीं अभी तो फाइनल का हुआ है, अभी तो घी पर है, ये फाइनल हो रहा है, ये तो अभी रखा हुआ है, दो में रखा गया है। अभी और भी पड़ा, बहुत मलाई पड़ी थी, बहुत देसी घी भैया, बहुत देसी घी बहुत निकलेगा बस। पूरे मोहल्ले को बांटेंगे, सिम करना चाहे चाय सिम करो, चाय सिम करो। ओहो नहीं आती, पूरे मोहल्ले को बांटेंगे डॉली देसी घी बना बना के, आपको खिला के गिफ्ट खिलाऊंगी ना, गिफ्ट आपको खिलाऊंगी। कितने प्यारे से लग रहे हैं यार कप, बहुत सुंदर कप है, छोटे छोटे। मैंने कहा यार एंजॉय करेंगे, मैंने कहा चलो यार अब चाय पीते हैं और प्यार से देखेंगे, हम उतने प्यार से पियेंगे इसमें मस्त। काकू कहता है मम्मा मुझे उसी कप में दो, वो अभी पी नहीं रहा था, फिर कहता अच्छा वो कप में पी रहा था, प्लीज मुझे भी दे दो, क्योंकि टाइम होने वाला तकरीबन 12:30 के आसपास हो चुका है। अब चाय पियेंगे, अगला दिन चढ़ चुका है, उसके बाद फिर करेंगे ब्लॉग का एंड। गाइस क्या कलर आया है चाय का यार, क्या मस्त वाला चाय। तो गाइस फाइनली हमारी चाय बनकर हो चुकी है तैयार, अब इसको सर्व करेंगे कप में। गाइस बढ़िया सी चाय बढ़िया से कप में बन चुकी है, अब करते हैं इसको एंजॉय जी। चाय बन के आ चुकी है भाई साहब, चाय पी लो आप, ठीक है देखो कैसी बनी है। इस चाय के साथ आ गया मेरे फ्रंटियर के फेवरेट बिस्कुट आटे वाले, जो माँ जी यानी कि मम्मी से हमारे बना के रख दिया करती थी पीपे के अंदर, तो हम फटाफट उठा के खा लिया करते थे। अब एक बार ये इलायची वाले बिस्कुट है, इलायची और सौंफ वाली चाय है, मिश्री वाली, इंजॉय करते हैं। गाइस ये लोग बैठ गए हैं सर समझ कर, क्योंकि ब्लॉक का होने वाला है एंड। और अभी अभी हम चाय पी के हटे, बढ़िया सी मस्त। तरनदीप जी ने जो हमें चाय के कप्स दिए थे उसके अंदर मतलब मिट्टी जैसे कुल्लड़ वाले जैसे मिट्टी रखते, बहुत अच्छी और चाय बहुत ही बढ़िया, मतलब ठंडी चाय है ये, चाय तो बनी है ठंडी चाय है। जो मैंने स्पाइसेस यूज़ किए थे ना, तो गाइज ऐसे स्पाइसेस यूज़ करना, बहुत लाइट मीठा होगा और चाय मस्त वाली बनेगी। और ब्लॉक का एंड करने, ब्लॉक का एंड कब करने लगे जी, टाइम देख लो कितना हो गया, 1:05 और ये हमारा फ्रिज यहाँ पर खाली हो गया, बिल्कुल जगह बच गई है यहाँ पर एकदम, बिल्कुल कमरा खाली खाली हो चुका है, बट जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो कमरे में रहे। तो भाई बड़ी बड़ी अलमारी, ये भी बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी चीजें मेरे साथ ही तो सब कुछ है। तो भाई बड़ी बड़ी चीजें कमरे में रहेंगे, रूम में रहेंगे। देखो मैं पहले आई, मेरे साथ साथ सारी चीजें आई है ना। तू कहाँ से आ गई? तू कहाँ से आ गई? पहले से मैं था इस घर पे, तो आपके साथ में आई, मेरे साथ बच्चे, बच्चे के साथ सर उनका सामान, फिर छोटे सामान से फिर बड़े सामान। मेरे से पहले तो मम्मी पापा आए थे, वो लेके आए थे मुझे, उनसे पहले उनके मम्मी पापा आए थे। हाँ यार काफी लंबी चेन हो गई है यार, चेन तो जैसे कहते हैं ना, चेन ही चेन है। तो गाइस बस ये तो बस छोटा सा मजाक, तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया काकू, मतलब इतने कमेंट्स आए थे और काकू के फेवर में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं आपने, थैंक यू सो मच, आपका दिल से शुक्रिया। काकू जी आप कुछ कहना चाहते हो? थैंक यू गाइस, आप सबका थैंक यू। वो हाइट निकालेगा तो बच्चा पतला तो दिखेगा। तो गाइस देखो भी काकू
अच्छा नहीं लगता, मीन्स की उनका मतलब थोड़ी दूसरी वे में आ गया, बट पतला बच्चे हो ही जाते, कई बच्चे बहुत ज्यादा पतले हो जाते।